हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने पंचायत भवन कुरुक्षेत्र में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। राज्य मंत्री अनूप धानक ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निदान करें और उनके कार्यालय में रिपोर्ट करें। भूमि विवाद को लेकर एक फौजी साहिब की भी फरियाद दिग्विजय सिंह चौटाला ने सुनी। उन्होंने चौटाला को अपनी पूरी समस्या सुनाई। इसके बाद दिग्विजय चौटाला ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। समस्याएं जल्दी निपटारा होने की क्या है उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर बाकी भी काम करना अधिकारी शुरू कर दें और जल्दी उनकी समस्याएं। हर जिले में लगे हैं ये जनता दरबार? नहीं, हमें आज हमारा अम्बाड़ा और क्षेत्र में था, उसके बाद पहला ही था सभी समस्याएं थी संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है और जल्दी मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करें और इस पे कार्रवाई जिस पे भी जो कार्रवाई बढ़ती है चाहे वो किसी की पानी की समस्या है उसमें पानी की समस्या हल करवाने का काम करें, बिजली की समस्या है वो बिजली की समस्या का हल करवाने का काम करें, जो सड़कों की कोई दिक्कत है गलियों की दिक्कत है उनके एस्टिमेट बनवा करके हमें भी जुड़ा कितने जी सर जी सर सर चुनाव पंचायत के चुनाव आएंगे तो पंचायत के चुनाव गांव के चुनाव होते हैं सामूहिक रूप से गांव का चुनाव आपसी भाईचारे का चुनाव है तो गांव में भाईचारे जब भी डेमोक्रेटिक सिस्टम भंग हो जाता है तो अधिकारी जो है वो पावरफुल हो जाता है, पावरफुल जब अधिकारी होता है तो फिर वो जनता की फरियाद ना सुन करके बल्कि अपनी उससे हिसाब से करता है। अब मुझे ये उम्मीद है कि दोबारा डेमोक्रेटिक सिस्टम की बहाली होगी, सरपंच बनेंगे, पंच बनेंगे, मेंबर बनेंगे, लोगों के अनुरोध उनके लोग चुन करके आएंगे और गांव का विकास। हमारा डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रणाली है, इसके अंदर सबको अधिकार है, आम आदमी हो कोई और अन्य दल हो सबको अधिकार है कि वो आएँ और अपने राजनीतिक कार्यक्रम करें। ये जनता के पास अल्टीमेट फैसला जनता के अधिकार है, वोट का अधिकार जनता का, पाँचवें साल फैसला जनता ने कहा। हमें जो ड्यूटी सौंपी गई है हम अपना काम कर रहे हैं वो अपना। मंत्री जी, हम आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र हैं कुरुक्षेत्र के और हम आज दिग्विजय सर से मिले हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हम 25 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, हमारी समस्या कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज हम दिग्विजय सर से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे। क्या समस्याएँ थी आपकी? जी, हमारा जो स्टाइपेंड है ना वो MBBS और BDS के बराबर करने के लिए मांग थी। तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने कहा है कि हम आपके काम को करेंगे, उन्होंने भी फोन भी मिलाया था एक अधिकारी के पास, बाकी देखते हैं। उसने समस्या सुनी मेरी, जो भूमि विवाद चला है पिछले कई सालों से चला हुआ है, मेरा तो बिना भूमि विवाद करके मेरे परिवार को मारपीट करता है और जो प्रशासन से हम इन्फो करते हैं प्रशासन भी उसके ऊपर सही प्रकार से कार्रवाई नहीं करती है और कोर्ट के हवाला देकर उसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जब पुलिस कर्मचारी आता है उस पर झूठी रिपोर्ट बना देता है और अपने उच्च अधिकारी जैसे SP और DC और मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको भी झूठी रिपोर्ट कर देते हैं। ये दो मेरे पास रिपोर्ट हैं और यहाँ तक कि जब हम तहसीलदार पे कागज लेने के लिए जाते हैं तहसीलदार भी मानने से इनकार देता है और आज तक मुझे मेरी ही ज़मीन के कागज नहीं मिले। आज दुष्यंत चौटाला साहब से मैं मिला हूँ और मुझे मिलकर उसने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या जरूर हल होगी और आप मुझे चंडीगढ़ में आ जाओ, हम पूरा का पूरा आपका चंडीगढ़ में निर्माण कर देंगे।